खरगोन जिले की एक मां ने 7 साल बाद एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि जच्चा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। दरअसल जिले के ग्राम पानवा की रोशनी पति प्रवीण और उनका परिवार शादी के बाद से संतान प्राप्ति का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। लिया जाए इसी क्रम में पूरे 7 वर्ष बाद रोशनी ने खरगोन के एक निजी अस्पताल में 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान 7 साल बाद 3 संतान प्राप्त होने पर परिजन ने खुशी जताई। वहीं निजी अस्पताल के डॉक्टर TH मलिक ने बताया कि ऐसे बिरले केस बहुत कम देखने में आते हैं। उन्होंने बताया कि सावधानी बरतते हुए सीजर करके 2 बेटियां सहित एक लड़के को सुरक्षित निकाला, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बहरहाल बरसों बाद एक साथ हुए 3 बच्चे की खबर से परिजन में खुशी का माहौल व्याप्त है, जो चर्चा का विषय बना है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। द्वार चिरेवाइन पे रहते हूँ, तो माता जी की कृपा से 3 बच्चे हुए, हम तो बहुत खुश है। और बहुत हमने इलाज भी करवाया, सब कहीं करवाया, तो हम सब परिवार बहुत खुश हो गए। 5 साल होगा, 6ठा साल कंपनी में। कहाँ रहते हो आप? आपका क्या नाम? मेरा नाम चंपा है। आपका गांव है पनाली, ये पानवा, पानवा के रहने वाले हैं। और उन्होंने जो है IVF करवाया था इंदौर में, उसके बाद उसको प्रेगनेंसी हुई और 7 साल बाद इसको जो है ये डिलीवरी हुई है, जिसको सीजर से ऑपरेट करके तीनों को निकाला गया। तीनों बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और माता भी स्वस्थ है। ऐसे केस कितने दिन में आते हैं अपने? ये जो है 5-10 साल में एक बार ऐसा केस हुआ करते हैं आमतौर पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।